विकेट में 170 से नीचे आसान बात नहीं है. बहुत आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान ने बॉलिंग की है जिसकी वजह से इतना करीब मैच पहुंचा. अदरवाइज अगर एक दो ओवर शुरू में अच्छे ना होते तो ये मैच 17 ओवर में खत्म हो जाता इंडिया की तरफ. बिल्कुल ऐसा हो सकता था. मोइन भाई मुझे बताया T20 फॉर्मेट शॉर्टर फॉर्मेट की बात है, बल्लेबाज आता है, ओपनर है आपका, वो ऑन 42 पे 43 बनाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल उसी के शोल्डर्स पे आती है या नहीं? यार आती तो है बिल्कुल. जैसे अफीज ने कहा जब आपने 3 बॉलें खेली है तो देन यू हैव टू फिनिश, वो उस वक्त जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके ऊपर होती है बिकॉज के आपको पता होता है एज अ बैट्समैन आने वाला बैट्समैन जो भी मोमेंटम में देके जाऊंगा तेज देके जाऊंगा या फंसा के जाऊंगा इनिंग को तो मुश्किल होगा उसके लिए आके. तो जब एक आदमी सेट हो जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है. ऑल्दो ही वॉज ट्राइंग इज बेस्ट बट बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था, मिसिंग हो रहा था कहीं. मेरा ख्याल है कि मिस कैलकुलेशन भी नजर आई जहां बॉल गिरी थी उसके अगेंस्ट हिट मारने जा रहा था. नॉर्मली लगते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा बाउंस एंड लिटिल बिट ऑफ द सीम बॉल बल्ले पे नहीं आया, यू नो ही वॉज ट्राइंग. तो दोस्तों ये मैच आपने डेफिनेटली देखा होगा और काफी प्रेशर में आए होंगे आप लास्ट में जब सूर्य कुमार यादव आउट हुए तो काफ़ी प्रेशर में आए होंगे क्योंकि मैच मुझे लग रहा था कि ये चेंज हो गया है. लेकिन जडेजा और हार्दिक पांड्या ने काफ़ी सेंसिबल तरीके से रन अ बॉल रन रेट को मेंटेन रखते हुए मैच बनाया और आखिरी में फिनिश कर दिया. पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर बात. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब. बट ये अगेन हाँ ऐसे मैच में आप 42 पे 43 रन बनाए तो मेरा ख्याल है यहाँ पे देखना होगा कि आगे आपने किस तरह इस नंबर के ऊपर और आपके पास कौन से बैकअप स्टैंड में जो मौजूद है प्लेयर T20 फॉर्मेट के कहां किसको एक्सप्लोर करके फिट इन कर सकते हैं, यू नो, क्योंकि आगे आने वाला जो वक्त है पाकिस्तान के लिए वो और टफ होगा. तो एक्सपेरिमेंट का टाइम मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त आगे इनको इतना मिलेगा क्योंकि हमने प्रीवियसली भी देखा है वर्ल्ड कप के बिल्कुल एच के ऊपर भी हम लोग एक्सपेरिमेंट ही कर रहे होते हैं, हमारी टीम नहीं बनती, यू नो. आई थिंक जो भी करना है मेरा ख्याल है कि अगले ये एक ही महीना है जिसमें करना है, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल है क्योंकि मैं बोला कि बैकअप में आपके ऊपर लड़के मौजूद. जिस तरह हमने बात की थी शाहीन को नहीं रखा और आपको पता है एक सबको पता है अफीज तो साथ खेले हुए इनके कि दोनों वर्नेबल है बहुत ज्यादा लेफ्ट आर्मर के ऊपर, यू नो. तो आपके पास एक बच्चा मौजूद था मीर हमजा की शक्ल में, उसको आप ले जा सकते थे, यू नो, ले अगेन अंदर आता है. बट आई डोंट नो कौन सी प्रेफरेंसेस दी गई हसन अली को लेके आए आप, आई डोंट नो. और फिर मैच भी नहीं खिलाए, यू नो. तो ये तमाम चीजें जब एट दी एंड रिजल्ट आता है ना उस वक्त हाँ जीत जाते तो नेक्स्टली हम डिफरेंट गुफ्तगू में भी शायद कह रहे होते, लेकिन ये वो पॉइंट है जो हमने मैच से पहले भी हाईलाइट किया. लेकिन एक और बात जो आपने मैच से पहले की थी पिच देखने के बाद आपने कहा कि बॉल बल्ले पे आएगा, अब क्या हो गया एकदम से कि बॉल बल्ले पे क्यों नहीं आया? मैं बताऊं या राशिद भाई? मैं राशिद भाई के लिए मुख्तलिफ सवाल है क्योंकि आपने कहा था तो मैं आपसे पूछा. नहीं बॉल मेरा ख्याल है बॉल तो आया है बैट के ऊपर लेकिन जो बैट्समैन ने हमारा बल्ला नहीं आया. नहीं मेरा ख्याल है कि हमने रॉन्ग सिलेक्शन किए, वी वर नॉट प्रिपेयर, हम क्लियर क्लैरिटी माइंड में नजर नहीं आई, डबल माइंडेड थे जहां पे विकेट गंवाई हमने. अदरवाइज 147 तक तो आप ले गए, इट मीन्स ये जैसे फीस देगा ये 25 रन शॉर्ट थे. एक अच्छी T20 पिच थी, ऐसा नहीं था कि अनप्लेबल पिच हो गई कि बस बॉल बल्ले पे आ ही नहीं रहा, यू नो. तो मेरा ख्याल है कि पिच वॉज गुड, इतनी ऐसी पिच नहीं थी अनप्लेबल या ऐसी पिच हमने कभी देखी ना T20 में. मेरा ख्याल इट वॉज दोनों के लिए खेल नहीं पाए दोनों टीमें क्योंकि बाद में भी बॉल सीम हो रहा था, हमने जब बॉल की उस वक्त भी गेंद तो हिला है लेकिन उन्होंने भी रन तो कर दिए ना. एग्जैक्टली रन उन्होंने बिल्कुल किया. आप जो राशिद भाई आपके लिए मेरे पास सवाल है वो ये है, हम अपने मिडिल ऑर्डर को लेकर बहुत ज्यादा दफा हमने बात की है, मैंने आपके साथ जितनी दफा हम प्रोग्राम पे बैठे हैं आज तक हम कोई एक फाइनल शेप हमारे पास नहीं आई अपने मिडिल ऑर्डर की. उसमें हम फखर की बात करें, इफ्तिखार की बात करें, खुश दिल की बात करें, मैं आसिफ की बात करना चाहता हूं, हर दफा वही सेम शॉट सेम जगह पे कैच आउट, क्या हो क्या रहा है? मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ. वही लड़के आते हैं फिर चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, वो फील्डर वही खड़ा करते हैं शॉट, वो जाहिर सी बात है वो सेटअप करते हैं फिर उसको. पहले रिजवान का सवाल चल रहा था, रिजवान का ये कि उनका जो खेलने का स्टाइल है यही है कि पिच थोड़ी सी बैट के ऊपर बॉल तो जैसे मोइन ने कहा आ रही थी लेकिन थोड़ा अंदर की तरफ लग रही थी, क्या मतलब कि एक्स्ट्रा बाउंस नजर आ रहा है उसके ऊपर. वो 15वें ओवर की पहली बॉल पे आउट हुए, 96 स्कोर था. अब उन्होंने अगर PSL अगर देखते हैं ना कैलकुलेशन करें तो 14 से 15 ओवर में 100 बनते हैं वहां पे, उस लिहाज से आपकी विकेटें गिरना शुरू हुई, 6 विकेटें उसके बाद गिर गई. तो उसने अपना काम किया लेकिन उनको स्पेस नहीं मिली उसके बाद, क्योंकि उसी ओवर में खुशदिल शाह भी आउट हो गए. खुशदिल शाह के बाद फौरन आसिफ अली आउट हुए, नवाज आउट हुए, शादाब आउट हुए, फिर नसीम आउट हो गए. तो 6 जो विकेट गिरी हैं आपकी लास्ट 5 ओवर में,
की है, 30 बॉलों में 6 विकेट गिर रही है यार, तो मैं ब्लेम रिजवान को नहीं करूंगा। रिजवान और बाबर दो ऐसे प्लेयर हैं जो कि रिजवान छोटे पांव से खेलते हैं जिसकी वजह से रन करते हैं, वो बाबर वेट करते हैं बॉल का और वो इस वजह से ज्यादा रन करते हैं। और हार्दिक पांड्या का देखिएगा फ्रंट फुट पे गए ही नहीं वो, तो ये पिच थी असिस्ट करने वाली, बॉल का वेट करने वाली, कट पे रहेंगे या स्पिनर को आप बैक फुट पे आके मिड विकेट मारेंगे जिस तरह हार्दिक पांड्या ने खेला। मेरे ख्याल से थोड़ा सा टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई हैं, हमारे बैटर्स आगे की तरफ खेल रहे हैं, उनका जो अपर साइड थी वो आगे की तरफ थी, तो वो एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से थोड़ा सा इश्यू जरूर आया। लेकिन जहां तक रिजवान का देखते हैं 14.1 ओवर में 96/4 चौथी विकेट गिरी है ये, उसके बाद देखें ट्रेल गिर गई पूरी, उसके गिरा दिए मैंने सर। आज तक सेट क्यों नहीं कर पाए हम, आप सारे फॉर्मर स्केपर्स बैठे हुए, क्यों नहीं सेट हुआ ये आज तक? नहीं देखिए उसमें मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो प्लेयर मिडिल ऑर्डर के अंदर इंतजार कर रहे थे पिछले 2-4 सालों में, जिनकी बातें की जा रही थी कि मोहम्मद हफीज और शुएब 40 साल के हो गए हैं छोड़ के चले जाएं, आई एम हैप्पीली डन विद माई क्रिकेट, मैंने जो कर सका किया। लेकिन जो 4-5 साल से बच्चे या लड़के या हमारे वो लोग जो बाहर बैठ के इंतजार कर रहे थे, जब उनको मौका मिले और वो ना अपनी परफॉर्मेंस लेके आए, देयर इज समथिंग रॉन्ग। और मुझे सबसे बड़ा इशू ये है कि जब कोई लड़का बाहर होता है और दोबारा जब वो वापस आता है तो उसकी जो रेक्टिफाई होनी चाहिए इश्यूज जिसके ऊपर वो बाहर हुआ है वो कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे अभी स्ट्रेंज सिलेक्शन है हसन अली को लेके, ही इज अ वंडरफुल बॉलर, लेकिन जिस तरह उनको बाहर किया गया ये कह के कि जी हम चाहते हैं वो मेंटली थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा अपने आप को रीगैदर करें फिर वापस आए, ऐसी कड़ी शायद उन्हें घर बह के सेट कर ली थी विदाउट प्लेइंग अ गेम कि उसको 4 दिन या हफ्ते के बाद आपने दोबारा ले लिया, मेरा अप्रूवल नहीं मिली शायद, मेरा डाउट है जब पहुंचे उसके बाद परमिशन मिलती है आपको एक प्लेइंग 11 के लिए। हमारा एक प्लेयर है उसने पाकिस्तान के सिस्टम को बीट किया, कामरान गुलाम की मैं बात कर रही हूं, उसने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन किए, हम उसको कंसिडर ही नहीं करते ना वनडे में ना T20 में ना टेस्ट में। बिल्कुल, जो आपके सिस्टम को बीट कर रहा है वो चंगा नहीं गा, और जो फर्स्ट क्लास के अंदर खेलते नहीं वो चंगा हो गया। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, मुझे ये लगता है कि हमें अपने सिस्टम बीटर्स को जो हमारे प्रोवाइडेड मैचेस हैं जो उसमें बीट करे, जो उसको परफॉर्म करे, हमें उसको रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हमें जरूर सोचना पड़ेगा कि हम मिडिल ऑर्डर के अंदर चाहते क्या हैं, हम सीधा चाहते हैं कि जो चल गया कि उस दिन पता नहीं है कर देगा, या वी नीड समवन जिसके ऊपर हम बैंक कर सके कि इफ ही इज देयर ही इज गोना परफॉर्म, या फिर हमारा माइंडसेट ये यार है मार लेना ठीक है तो रख लो, कोई मसला नहीं है। ये भी हमारा माइंडसेट है, आपने मुझसे सोल्यूशन मांगा कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास प्रूवन प्लेयर्स मौजूद हैं जो सिस्टम को बीट कर रहे हैं, जो सिस्टम में टॉप कर रहे हैं, हमें उनको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, अगर हम उनको लेके आएंगे दे विल परफॉर्म बेटर। एग्जैक्टली, इसमें सिलेक्शन में एक वीक लिंक नजर आ रहा है कि ऐसी पिच मिल जाए तो ऑलराउंडर पेस बॉलर कौन था आपके पास? राणा साहब, मेरे ख्याल से फिर राणा साहब को ले आ जाते हैं, वो बॉलिंग भी ठीक कर लेते हैं वक्त पर बैटिंग भी कर लेते हैं, ऐसी पिचेस के ऊपर आपको शायद, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी ज्यादातर गलती होती है, यहाँ पे होना चाहिए था। ये तो आपकी मॉडल है, अगर ना यहाँ पे अगर स्पिनर दो स्पिनर ऑलराउंडर खेल रहे हैं, जडेजा दो ओवर कर रहा है, वन ऑफ द ग्रेट में आता है वो बॉलिंग में, लेकिन वो दो ओवर कर रहा है, तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि एक पेसर होना चाहिए था। जैसे हार्दिक पांड्या 2-3 ओवर करता है, 4 ओवर कम अब फिटनेस के बाद शुरू किए, लेकिन यहाँ पे मे भी 16 में होना चाहिए था या 15 में, जो भी टीम है उसमें होना चाहिए। एक और बात करना चाहता हूँ, फिटनेस प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राशिद भाई ने सारी क्रिकेट खेली, मोइन भाई ने खेली, मैंने जितनी खेली, सना ने अपने लेवल के ऊपर जितनी माशाल्लाह पाकिस्तान की सर्विसेज की, हर एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है अपनी फिटनेस का। उसको किसी पे ब्लेम कर देना जी ट्रेनर होते गुस्सा कर लो, वो फिजियो अच्छा नहीं है, एवरीवन इज वर्किंग वेल, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउ आई लुक आफ्टर माई सेल्फ, हाउ आई ट्रेन माई सेल्फ। एक मुझे नसीम के ऊपर सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हजे 19 साल का होया नहीं, 5 बड़ी इंजर्ड हो गया, इट्स नॉट राइट, देयर समथिंग रॉन्ग विद हिम, मे बी सेल्फ मैनेजमेंट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड। हम कब तक ब्लेम करेंगे सिस्टम को कि सिस्टम उसकी लुक आफ्टर नहीं कर रहा, भाई तो पहले अपने लुक आफ्टर खुद तो कर। अगर कोई बंदा 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में भी फिट है और वो खेल रहा है, हमें वो पसंद नहीं है जो 19 साल में फिट है, 19 साल देगा दो देखो 4 ओवर होंगे नहीं पे, ठीक है समथिंग रॉन्ग। द पॉइंट्स टेकन, द पॉइंट्स टेकन, क्या कर नसीम जल्दी में, नहीं जल्दी में नहीं, नसीम शाह का थोड़ा ये है कि जब अंडर-19 से आए इनका एक्शन मिक्स था, इनको फिर साइड ऑन कराया गया है, अगर फुटेज देखते हैं अंडर-16 में ये बिल्कुल वेस्ले हॉल टाइप के बॉलर थे
और जितने भी काम किया है बड़ा परफेक्टली किया है, एनसीए में हुआ है, प्राइवेट हुआ है, इनका एक्शन बहुत अच्छा किया, मॉडिफाई किया, लेकिन इसका टाइम होता है, 6 महीने तक बड़ी क्रिकेट नहीं खेलनी है आपको, वो बीच में ही खेलने आ गए, वो बीच में ही पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी की और वहीं पे वन फिट हो गए। एक टाइम सर्टेन टाइम होता है कि एक्शन मॉडिफाई के बाद 6 मंथ आपको बॉलिंग करनी है कहीं पे भी, एनसीए में करें या क्लब क्रिकेट खेलें, ये टू अर्ली आ गए, तो वही चीज इनकी चल रही है और ये चलती रहेगी। मोहम्मद शमी को मैंने देखा, एक दो बॉलर और, ये 22-23 साल की उम्र तक ये इंजरी चलती है क्योंकि आपको थोड़े बॉडी के स्ट्रक्चर चेंज होता है, रिटायर ना हो जाए उससे पहले 32 साल उम्र से लगे 20 साल टपया नहीं। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ, भाई आपकी तरफ बढ़ता हूँ, जैसे उन्होंने नसीम की बात की, उन्होंने कहा ये है, देखिए ये तकलीफ सब क्रिकेट देखने वालों को भी है, शुएब मलिक अगर फिट थे उनको खेल लेना चाहिए, अगर हम वहाब को कंसिडर कर सकते थे उनको बुला लेना चाहिए था, एक्सपीरियंस भी होता हमारे पास, साथ ही साथ मुझे लगता है साथ ही साथ हम फिटनेस की भी बात करते। नसीम को मैं इसे नहीं ब्लेम कर सकता, मैं 19 साल का 20 साल का हूं, मुझे मौका मिले पाकिस्तान खेलने के लिए, मेरी कमर टूटी भी हो तो मैं कहूंगा हाँ भाई मैं हाजिर हूं, मैं खेलूंगा, क्यों नहीं, मैं उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगा। अब जो मिडिल ऑर्डर से हमारी बात शुरू हुई जो हम बॉलिंग तक आ गए, और मुझे लगता है कि बॉलर ने फिर भी प्रेफरेबली बेहतर परफॉर्म किया है, इंडिया को तगड़ी उन्होंने चोट पहुंचाई, क्या हमारे मिडिल ऑर्डर का क्या सोल्यूशन है मुइन भाई, आप क्या सोल्यूशन देते हैं, लड़के आ रहे जा रहे? सोल्यूशन जो दिया है वो अच्छा दिया है, बात यह है कि जब आप किसी को ड्रॉप करते हैं और उसको, जैसे हसन अली वापस टीम में आ गया जी, कभी आप इफ्तिखार को ड्रॉप करो होते हैं, कोई दिल को ड्रॉप करो तो फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं, इस मीन टाइम कोई जब आप ड्रॉप करते हैं तो रेक्टिफाई तो करें ना, ये प्रॉब्लम है इस पर काम किया जाए, चाहे वो एनसीए में जाए या उसको एक सीजन दिया जाए, उसको थोड़ा टाइम तो दिया जाए, उसको वैल्यू का पता लगना चाहिए टीम की, इस टीम की क्या वैल्यू है, यू नो टीम ने जो है प्लेयर्स को वो बनाई हुई अपनी जरूरत, रादर देन के प्लेयर को जरूरत होनी चाहिए टीम की, यू नो तो ये जो चीज है, लाइक मैं एग्जांपल इस वजह से भी आपको बेहतर दे सकता हूँ, मैंने 4 से 5 दफा पाकिस्तान टीम में कमबैक किया, मे एंड राशिद यूज टू वर्क वेरी हार्ड, जब भी जिसको चांस मिलता था यू नो हम दोनों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था, तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती थी अपनी परफॉर्मेंस को निखारने के लिए, बढ़ाने के लिए, यू नो अपनी आपकी खुद असेसमेंट करनी पड़ती थी यू नो, और उससे ही आप सबसे ज्यादा सीखते हैं। अब प्लेयर को जब ये पता लग जाएगा यार मैं बाहर हुआ और मुझे फिर वापस ले अंदर, उसको पता ही नहीं लगेगा मैं बाहर क्यों और मैं अंदर क्यों आ गया, वो इंतजार कर रहे दूजे का फेलियर, और कहता दूजा पैड़ा खेले तो मैं अंदर आ जाऊंगा। जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो किस लिए होती है, अगर एक स्ट्रक्चर बनाया है वहां का जो टॉप परफॉर्मर है हमारे। तो दोस्तों आपने डेफिनेटली मैच एंजॉय किया होगा, शुरू में तो लग रहा था कि जब इंडिया बैटिंग करने आई थी ये मैच वन साइडेड होगा, और मुझे भी लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, पहले ही ओवर में विकेट गिर गया, उसके बाद विराट और रोहित की पार्टनरशिप हुई, उसके बाद फिर दोनों मेरे हिसाब से विकेट फेंक के गए हैं, रोहित शर्मा ने एक छक्का मारा था उसके बाद शायद वो थोड़ा रुकते लेकिन वो विकेट फेंक गए, विराट कोहली भी अच्छा खेल रहे थे, एकदम से उन्होंने गलत शॉट मारा और विकेट फेंक के चले गए, फिर जडेजा आए, जडेजा का रोल आने का था, आपको पता है कि उन्हें हिटिंग करने के लिए भेजा गया होगा, डेफिनेटली लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना के हिटिंग करने के लिए भेजा गया होगा, लेकिन जडेजा आके फिर उनका रोल चेंज हो गया, उन्होंने सेंसिबल खेलना चालू कर दिया, अब जब जरूरत पड़ रही थी तब हिट कर रहे थे, नहीं तो रना बॉल खेल रहे थे, वो भी अच्छा था, उसके बाद सूर्य कुमार यादव आउट हुए तो डेफिनेटली आप लोग टेंशन में आएंगे, 10 की रन रेट से रन चाहिए थे, 5 ओवर में आई थिंक 51 रन चाहिए थे, उसके बाद आपने देखा मैच कैसे फिनिश किया, हार्दिक पांड्या और जडेजा दोनों ने जबरदस्त तरीके से खेला और भारत मैच जीत गया। भारत को ये मैच मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ कि विराट रोहित और केएल राहुल जल्दी आउट हो गए, क्योंकि अगर ये हमेशा मैच फिनिश करते हैं आपने देखा होगा और ये अगर एकदम से आउट होते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर कभी हमारा टेस्ट ही नहीं होता, इस बार अच्छा हुआ टेस्ट हुआ और मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर ने मैच फिनिश किया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि हम ऐसे मैच इन फ्यूचर अगर फंसते हैं तो तैयार रहेंगे, मतलब आप समझ सकते हो पहले हमारे पास MS धोनी युवराज सिंह इस तरीके के प्लेयर हुआ करते थे रैना जो कि यहाँ से मैच निकालते थे, लेकिन जब से विराट शिखर धवन रोहित शर्मा केएल राहुल टॉप ऑर्डर में आए हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा मैचेस में खुद ही फिनिश करते हैं, खुद ही इतने रन बना देते हैं कि फिर रन ही रह ही नहीं जाते हैं मिडिल ऑर्डर के लिए कि वो टेस्ट हो सके। तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। पाकिस्तान